दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ऑटो एक्सपो। वहाँ की ब्लॉग बनाऊंगा, मेरा न्यू हेयर है। हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, वैसे आप मेट्रो से भी जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैब, मेट्रो, गाड़ी, और गाड़ी और कैब तो सॉरी होगी, मतलब कैब में ज़्यादा खर्चा आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं बस हिमांशु उत्कर्ष की वेट कर रहा हूँ। बीका जी का मैं पहले सोच रहा था, तो बस आपको वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। नेक्स्ट लेवल गाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल गाड़ियाँ, मज़ा सा आ जाए देख के। हे गाइस, वेलकम बैक टू संगली व्लॉगर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मैं पहुंच चुका हूँ नोएडा। मैं सुबह निकला था 9 बजे घर से, और अब बज चुके हैं पूरे 11:57, और बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, DND पूरा पैक पड़ा था। अब यहाँ पे पार्किंग फ्री है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दूर है, आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। कह रहे हैं शटल सेवा भी है, लेकिन वो थोड़े हैंडीकैप्स के लिए। हैंडीकैप ऑटो एक्सपो क्यों आएगा, चलो अंदर व्हील चेयर्स वगैरह होंगे। तो मैं कह रहा था, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये पूरी पार्किंग है, देखो पार्किंग अच्छी इनफ है, पार्किंग आराम से 1000-1200 गाड़ियाँ एक टाइम पे आ सकती हैं। और ये हवा, यहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसको कहते हैं इंडियन एक्सपो मार्ट। यहाँ पे ऑटो एक्सपो लगा है 2020 का। बुक माई शो से हमने टिकट्स ली थी, 350 की टिकट्स थी, और सॉफ्ट कॉपी हमें मिल गया था बारकोड। और उसके बाद हम जाएंगे हॉल नंबर 1 या 2 पे, जहाँ से टिकट्स को हमारा हार्ड कॉपी मिल जाएगी और पासेस मिल जाएंगे। आज मंडे है, 10th फेब है, तो टिकट सस्ती थी। अगर आप सैटरडे संडे को आते तो 475 की टिकट्स थी, फ्राइडे को आते तो बिजनेस आ था वो थी 750 की टिकट्स। बस आपको पार्किंग दिखा दी, फीस बता दी, अब अंदर चलते हैं। आप पार्किंग करके आओगे गाड़ी, थोड़ा सा पैदल चल के यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपको वेब एक्सचेंज पे जाना है, अपनी बारकोड दिखाने है, और आपको टिकट कैश वो हार्ड कॉपी मिल जाएगी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर शायद वो है एंट्री गेट, हमने वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना है। आप ले सकते तो रिक्शा भी ले सकते, 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं, पर फ़ायदा नहीं है, अगर इतना चल सकते तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये तो देखो जरा, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, देखो नीचे बैठा जमीन पे, ग्राउंड क्लीयरेंस ही नहीं है।
हॉल नंबर 15 में है मारुति सुजुकी महिंद्रा रेनॉल्ट। यहाँ बहुत सारे हॉल्स हैं, आप पूरी वीडियो में मैं इतना बनाने लगूँ तो वीडियो भी कम से कम 20-25 मिनट की बन जाएगी। बहुत सारे हॉल्स हैं, आप आइए इधर, सिर्फ 12 फेब तक है, 350 रुपये टिकट है। ज़्यादा नई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं है जो लास्ट ईयर थी, लास्ट ईयर बहुत अच्छा ऑटो एक्सपो था, इस साल थोड़ा सा बोरिंग सा है क्योंकि जो गाड़ियाँ इधर लगा रखी है कंपनीज ने वही गाड़ियाँ बाहर भी दिखती हैं। तो आइए, अगर आपको अच्छा लगता है गाड़ियाँ देखना तो आप आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ है ईवी साइकिल बाइक, मतलब सब कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, कुछ भी पेट्रोल डीजल कुछ नहीं लगता। अब ये क्या है, ये किसी का अपना गैराज होगा जो बहुत विंटेज गाड़ियाँ रखते, गैराज का नाम है HMCI हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया। तो यहाँ सारी विंटेज कार्स होती हैं। ये हॉल आपको अगर विंटेज का कार्स पसंद है तभी है, ओ नहीं विंटेज ही सॉरी स्पोर्ट्स भी है, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन और आपकी अपनी पोर्श, ओकिनावा, ये तो जापान का होगा, यहाँ भी स्कूटी बाइक्स वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे नो एग्ज़िट लिखा है, आप यहाँ पे एग्ज़िट नहीं कर सकते, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते इस दरवाज़े से, आप इस दरवाज़े से बिल्कुल बाहर मत जाइए। ये सिर्फ एंट्री के लिए है, ये एग्ज़िट के लिए नहीं है। सो आई एम डन विद दिस ऑटो एक्सपो, और मेरे GoPro की बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली है, मेरी भी। इतना खास नहीं है इस बार का ऑटो एक्सपो, वही नॉर्मल गाड़ी है, बस मेरे जो फेवरेट मेरे को ब्रांड्स लगे वो है मर्सिडीज़ और MG, इन दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ निकाली हैं, और MG का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो वो गुड लक MG, बहुत अच्छी कार थी आपकी, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, मर्सिडीज़ मेरा फेवरेट है ये। चलो फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, और शेयर कर दो इसको काफ़ी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।